इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी रायबरेली पहुंच गई हैं। अपने दो दिवसीय दौरे के चलते स्मृति ईरानी कल अमेठी में थी और आज रायबरेली उनका आगमन हो गया है। हम आपको बता दें कि स्मृति ईरानी आज सुबह 10:30 बजे के करीब रायबरेली पहुंची और बचत भवन पर पहुंचकर अधिकारियों से मिली, साथ ही साथ बचत भवन में पहुंचकर उन्होंने सभी के साथ बैठक भी ली। जिला विकास समन्वय अनुसमण समिति दिशा की बैठक स्मृति ईरानी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। हम आपको बता दें कि इस बैठक में मुख्य रूप से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह, स्वास्थ्य राज्य मंत्री वेंकटेश्वर शरण सिंह, सलोन विधायक अशोक कोरी, शिक्षक MLC अवनीश सिंह, शिक्षक विधायक उमेश द्विवेदी, सपा विधायक मनोज कुमार पांडे, रायबरेली जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी सहित तमाम आला अधिकारीगण व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। हम आपको बता दें कि अपने दो दिवसीय दौरे के चलते केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी कल अमेठी में थी। अमेठी में उन्होंने कई विकास कार्यों के उद्घाटन भी किए, साथ ही साथ आज अपने एक दिवसीय दौरे पर वह रायबरेली में है। रायबरेली में सबसे पहले उन्होंने दिशा कमेटी की बैठक ली, साथ ही साथ हम आपको बताते हैं क्रिप्टो रिलीफ कमांड सेंटर का लोकार्पण भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया। जी हाँ, हम आपको बता दें कि स्मृति ईरानी अपने दो दिवसीय दौरे पर हैं और आज वह रायबरेली पहुंची है, जहां पर रायबरेली जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के द्वारा उनका स्वागत किया गया। साथ ही साथ कई राजनेता व अधिकारियों ने उन्हें पुष्प कुछ देकर उनका स्वागत किया। हम आपको बता दें कि स्मृति ईरानी अपने दो दिवसीय के चलते कल अमेठी में थी और आज रायबरेली उपस्थित थी। इसके बाद वह अपहरण लखनऊ के लिए रवाना होंगी और वहां से बाई एयर दिल्ली के लिए जाएंगी। S7 न्यूज के लिए मैं गौरव द्विवेदी, रिपोर्टर वरुण वाजपेयी व अनुपम मिश्रा के साथ।